हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनय LLE में। आज मैं बिना समय गवाए आज मैं बात करूंगा पुलिस वालों के जो रवैया है लोगों के साथ, आप जनता के साथ, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो हाथरस में कांड हुआ है उसको तो हर कोई जानता होगा। हर कोई पूरे देश में अपने अपने तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहा है, विरोध कर रहा है, आक्रोश है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा क्यों है, ऐसा किस वजह से है? तो चलिए पहले तो मैं आपको कुछ क्लिपें दिखाता हूँ, तब बात करता हूँ। ये पहली क्लिप आप देखिए। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच का हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे, आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछ रही है? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल ड्यूटी आपकी? बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? नहीं नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है, मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन ले मेरी बात एक बार। नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवाल हो जवाब देंगे। नहीं है मेरी मेरी ड्यूटी है, नहीं जवाब दूंगा सवालों का। आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं नहीं, जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट, या या वन सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 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 एक मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए। घी में आपने देख लिया इस क्लिप में क्या है? ये क्लिप जो है इसमें आपने देखा कि पुलिस वाले से एक पत्रकार पूछ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। डीएम साहब से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये क्या चीज होती है? आप ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी है, समय मौके पे मौजूद है, आपको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है? मतलब आपको यही नहीं पता, इसका मतलब कि आपको सच छुपा रहे हैं? कोई बात ऐसी है जो छिपाई जा रही है? ऐसी क्या बात है? तो ये चीज बहुत बड़ी एक सवाल पैदा का है कि क्या छुपाया जा रहा है ऐसा? उनको पता है लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। डीएम पे जो डीएम है उनके ऊपर टाल रहे हैं, उनके ऊपर उनसे पूछो। हर अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टाल रहा है। अब आप दूसरी क्लिप देखिए। और वहीं खड़ा पुलिस वाला अपनी हंसी से बेहयाई की कहानी लिख रहा था। ये आपने क्लिप देख ली, इस क्लिप में आपने देखा कि कैसे वो एक पुलिस वाला हंस रहा है। वहां चिता जल रही है किसी की, वहां घर में आंसू बह रहे हैं किसी के, वो हंस रहा है पुलिस वाला। क्या वहां पे ऐसा मजाक हो गया, ऐसा कौन सा चुटकुला किसी ने सुना दिया कि वो हंस रहा है वहां पे? पूरा देश परेशान है, पूरा देश आक्रोश में, गुस्से में, विरोध कर रहा है और वो हंस रहा है। ऐसी तो मानसिकताएं वाले पुलिस वाले पड़े हुए हैं। कुछ ही पुलिस वालों के चक्कर में पूरी बिरादरी बदनाम हो रही है। अब बताइए, अच्छे को तो कोई नहीं दिखाएगा, गलत को सब दिखाएंगे, और दिखाना भी जरूरी है ना। कल को आपका भी नंबर अगला हो सकता है, क्या पता वो पुलिस वाला आपके साथ हो, कल के आपके साथ कोई घटना घट जाए तो वो आपके साथ खड़ा हो, आपके पास खड़े हो, खड़ा हो, हंस रहा है। तो ऐसे लोगों का कुछ इलाज होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं तीसरी क्लिप। ला।
लेकिन अब यही हालत पहन कर लेके जावा जाए जहाँ रखे हैं वहाँ से मिल जाए कहो नहीं है परेशान न करो दो यार आपने ये क्लिप देख ली होगी। इस क्लिप में आपने देखा एक कोई शायद कोई भी पुलिस वाला कोई है कोतवाल है या कोई दरोगा है उसका चेहरा सही से नहीं है इसमें कोई आ पाया है वो किस तरह से नाबालिग को मार रहा है बच्चों को। भाई अगर उसने कोई चोरी करी है कोई भी उसने क्राइम किया है किसी भी तरह का तो आप जांच करो मुकदमा दर्ज करो उन्हें जेल भेजो कानून में सजा का जो प्रावधान है ना वो उस हिसाब से उनको जेल भेजो बात खत्म हो गई। बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको क्या सजा देनी है ये इन पे आरोप जो है वो सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जो भी वो कोर्ट का काम है आपका काम है उनको पकड़ के जेल भेजना जो भी उनपे मुकदमा है जो भी आरोप लगाया उस पर मुकदमा दर्ज करके उस पर उनको जेल भेजना। आप किस हद से इस बुरी तरह से इनको मार रहे हैं क्या हक बनता है क्या राइट बनता है मुझे तो पता नहीं है मैंने तो कानून पढ़ा नहीं है भाई इतना तो आप मुझे बता दें कोई भी कि ये किस हक से मार रहे हैं। ये छोटी मोटी ये जो चीजें हैं ना इन पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आम आदमी और पुलिस के बीच की जो दूरियां हैं वो कम करनी पड़ेंगी इन्हीं लोगों की वजह से बहुत कम हो गया। कोई भी पुलिस वाले के पास अपनी कंप्लेंट लिखाने नहीं आता इसी डर से कि वहां पर जाके बिना फालतू में सवाल करेंगे हाथ उठा देंगे कुछ ना कुछ करेंगे। हर आदमी का अपना एक रेस्पेक्ट होता है और ये लोग हाथ उठा देते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे और बेइज्जती होती है तुम्हारा भी रेस्पेक्ट है तो किसी और बंदे का भी रेस्पेक्ट है आम आदमी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रेस्पेक्ट खो देंगे। आप देखते हैं चौथी क्लिप। नमस्कार मैं अश्विनी जैन। हमीरपुर के मोदा कोतवाली में दरोगा द्वारा बीएसएफ जवान और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद और इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बीएसएफ जवान सहित उसके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जवान को जेल भेज दिया जिसके बाद परिवार न्याय के लिए आला अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। यूपी पुलिस की हनक कोतवाली में हाई वोल्टेज मारपीट ताबड़तोड़ चले दरोगा फौजी के बीच थप्पड़ कोतवाली ने दरोगा फौजी के बीच हुई जमकर मारपीट ड्यूटी पर तैनात दरोगा को जवान ने मारा थप्पड़ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। ये वीडियो हमीरपुर जिले के मोहदा कोतवाली का है जहां पर एक दरोगा द्वारा व्यक्ति पर थप्पड़ों की बरसात की जा रही है वहीं दूसरा व्यक्ति ने दरोगा के साथ धक्का मुक्की करता नजर आया है। धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति को पुलिस बाहर से अंदर ले जाती हुई नजर आ रही है। मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल जिस व्यक्ति पर दरोगा द्वारा थप्पड़ बरसाए गए वो अपने फौजी भाई के बारे में जानकारी करने
कोतवाली पहुंचा था, लेकिन कोतवाली के दरोगा गुलाब सिंह ने इसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। चौथी क्लिप देख लिया आपने, इसमें कोई फौजी है, ठीक है, उसके साथ कोई किसी तरह की मारपीट करी है। मैटर जो भी है मुझे नहीं पता, मैटर जो भी है, लेकिन आपको मारपीट नहीं करनी चाहिए। फौजी है वो देश का, आप उसकी समस्या तो लीगली सुनते, क्या बात है? आपने समस्या सुनी है क्या उसकी? उसने कुछ भी किया हो, आप उसमें मुकदमा दर्ज करते, उसको जेल भेजते, अगर उसने सच में कुछ गलत किया है तो। लेकिन जिस हिसाब से तो पता लग रहा है कि उसने तो कुछ गलत किया नहीं है, उस पर बिना वजह उस पर मारपीट की गई है और जेल भेजा गया है। मारपीट का मतलब ये समझ में नहीं आता है पुलिस वालों का कि मारपीट कैसे कर देते हैं भाई। मारपीट एकदम, अगर मतलब इतना बड़ी आसानी से मारपीट कर देते हैं, मतलब कहाँ है भाई, क्या राइट है मारपीट करने का? पुलिस का बल का प्रयोग तभी कर सकती है कुछ ही जगहों पे। अब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को पकड़ने गए हैं तो आप उसको कहते हैं गिरफ्तार करने गए हैं और वो खुद से अपने आप से वो जा रहा है, ठीक है, आप किसी को गिरफ्तार करने गए, आप वो खुद से और गिरफ्तारी दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसे नहीं पीट सकते। वो भागने की कोशिश करे तब आप पीट सकते हैं, और यहाँ पे तो लोग खुद आ जाते हैं, आप पकड़ लाते हो फिर भी आप थाने में उसको मारते हो, भाई क्या ऐसा कौन सा राइट है, मुझे वो समझ में नहीं आता है। खैर चलिए देखते हैं पांचवी क्लिप। दहिया दरोगा है शामली का, दहिया दरोगा 20,000 रुपए रिश्वत के लेके रात, झगड़ा था मामूली सी बात पे, 2.5 घंटे बिठा चीखे सुन सुन के, विपक्ष ने जो है 2.5 घंटे तक बताया, विपक्ष बोल ले आवाज सुनवाओ जी चीखों की, दहिया दरोगा जी देखो जो लुंडे के हाल कर रखा, इस दहिया दरोगा ने जुलम कर रखा पूरा शामली में, इसे भाई पूछवाओ वीडियो को लखनऊ तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई, उससे इसकी हड्डी टूट रही, 6 घंटे तड़प रहा है, उसे रीढ़ की हड्डी भी तेरे देश की, दहिया दरोगा है, दहिया दरोगा। ये क्लिप आपने देख ली, किस शहर से पुलिस वाले ने शामली थाने का, शामली के कोई थाने का मैटर है ये मुझे नहीं पता, कौन दरोगा है क्या है मुझे इतनी आइडेंटिटी पता, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से उसको पीटा है। भैया ऐसा क्या कर दिया उसने, कौन सा आतंकवादी है, क्या कर दिया उसने, कोई भी क्राइम किया है तो उसको मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजो ना, कोर्ट डिसाइड करेगा ना भाई, आप पीट कैसे देते हो मेरे को ये समझ में नहीं आता, हाथ इतनी उठ कैसे जाता है। अब मैं आपको ये जो क्लिप दिखा दी है तो आज से तो आप समझ ही गए होंगे पुलिस का रवैया क्या है। कहने का मेरा ये है कि मकसद कि पुलिस से आप सामना करना सीखें, क्योंकि पुलिस बेवजह परेशान करती है और लोग आप डरते हैं। हम लोग सरकार बना के तो भेज देते हैं, लेकिन सरकार चलाने वाले जो लोग अंदर नीचे बैठे हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं। सरकार को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, पावर में आप बैठे हैं, पुलिस आप ही से डरेगी और किसी से ही डरेगी, क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ का डर होता है, नौकरी चली जाएगी। आम आदमी कुछ ऐसा तो क्या पावर तो होती नहीं है, आम आदमी भरोसे भेजता है कि सरकार जा रही है हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन वो पुलिस का क्या करे। इस साल इस बीजेपी सरकार में पुलिस की इतनी मनमानी हो गई है कि एक आदमी अगर चालान भी हो जाता है ना तो डर लगता है कि पता नहीं क्या हरकत कर दे। अरे आपका जो भी मतलब कोई भी है, ठीक है, जब जरूरत लगेगी उसको मारना है पीटना है तब आप पीटिए, ऐसा नहीं है कि आप बल का प्रयोग नहीं करें, आप करिए, लेकिन जब आपको लगे कि बल का प्रयोग करना है तब आप करिए। आप आम इंसान भी क्यों करते हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। अगर आप वर्दी में खड़े हैं, कोई आपको झापड़ मार दे, ठीक है, कोई आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आपकी रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी, आप तो क्या करेंगे, पुलिस की वर्दी में है कि मैं तो पुलिस में हूं मैं तो बदला लूंगा, मतलब किसी भी तरह से आप ले भी सकते हैं भाई उससे, क्योंकि आपके साथ तो पुलिस विभाग होगा साथ में, इसलिए ज्यादा आपसे कोई बोलता भी नहीं है। तो ऐसी चीजें क्यों है, लॉकडाउन पीरियड में इतना ज्यादा ये चीजें आई थी, लेकिन किसी भी नेता ने इस बात पे कोई भी एक्शन लेने की नहीं कहा। भाई वो दवाई लेने निकला है, दूध लेने निकला है, किस जरूरी सामान के लिए निकला है, आपने उठा के पीट दिया, ऐसे पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई है, क्या किया जाए, कोई भी नहीं है, सब चुप, कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड मैं इतना चाहता हूं कि मैं अपने माध्यम से ये चाहता हूं कि अगर आप मेरा थोड़ा साथ दें, मेरा फेसबुक पे पेज है बेनेलवी का और ये यूट्यूब पे एक मेरा चैनल है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इसमें फेसबुक पेज से फॉलो कर लीजिए और इस पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम एक
संगठित होकर रह सके, कल को जो हाथरस में कांड हुआ ऐसा कहीं भी कुछ कांड किसी के साथ हो तो हम एक आवाज में बोल सकें। मीडिया को 3 दिन से अंदर घुसने नहीं दिया हाथरस में, क्या ऐसी वजह थी कि यही तो सवाल पैदा होते हैं कि हाथरस में ऐसी क्या वजह थी 3 दिन से मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया, ऐसी कौन सी सच्चाइयां हैं कि जो मीडिया बाहर ला देगी। अगर मीडिया नहीं होती तो इसमें केस को दबा दिया जाता। तो जो मीडिया वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने इस लड़ाई में बहुत आगे आए, सच्चाई को सामने लाए। तो ये सवाल पैदा होता है कि मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाने दिया, इसका मतलब कुछ तो राज हैं। डीएम, एसएसपी, एडीएम और एसडीएम, जो भी पुलिस वाले और भी कोतवाल वगैरह दरोगा है जिन पे ये साथ सस्पेंड हुए, सस्पेंड तो हुए हैं, इन पे कार्रवाई भी हो, इन पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से सारे काम हो रहे हैं। जितने पुलिस वाले वहां लगे हैं ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से लगे थे बात दबाने में। वहां जितने पुलिस वाले हैं मानते हैं कि वो सिर्फ एक ऑर्डर था, इस वजह से लगे थे, उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन्हें भी सारी सच्चाइयां नहीं मालूम थी। मालूम होंगी तो वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो छोटे रैंक के हैं। जो बड़े रैंक के आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्यों गलत कहें? उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें ऑर्डर मिला वो कर रहे हैं भाई, उनकी नौकरी है, उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर पुलिस वाला गलत नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पुलिस वाला गलत है, लेकिन हाँ जो गलत है उनके साथ तो कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं बिल्कुल गलत हैं। एक आम आदमी और पुलिस दोनों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि विश्वास कर सकें, अगर किसी को परेशानी है तो वो पुलिस को फ़ोन करके अपनी मदद को मांग सकें, मदद कर सकें, पुलिस वाले भी उनकी मदद कर सकें। ऐसा उनके अंदर ना दिल में कोई बहम बैठाएं कि अगर पुलिस आएगी तो अब मेरा जो है खर्चा होगा, खर्चा पानी देना होगा, या पुलिस मारेगी पीटेगी थाने ले जाएगी थाने उठा कर रखेगी, ऐसी हरकत ना करें। उन पुलिस वालों से भी मेरा निवेदन है अगर हो सकता है तो मान लें, क्योंकि भाई वो मार से मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि यानी कितने आए कितने गए, तो इसीलिए इस चीज़ पे जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उनको इस चीज़ पे थोड़ा पे ध्यान रखना चाहिए कि जो आदमी पैसे में है सत्ता में है थोड़ी पावर रखता है उसका तो पुलिस कुछ नहीं कहती है, और जो गरीब तबके का इंसान है उसे पुलिस जरूर मारती भी है पीटती भी है। अगर आप पूछताछ को लेकर जा रहे हैं तो पूछताछ करिए ना, क्यों आप कर रहे हैं उसको, साथ मारपीट क्यों करते हैं, जबरदस्ती करने से क्या हो जाएगा? पूछताछ करनी ठीक है, पूछताछ करिए तो मारपीट तो मत करिए ना कम से कम, बस मैं यही कहना चाहूंगा। और एक चीज और ये कि जो ये हाथरस में चल रहा है इस पे बहुत जो सवाल हैं कि पुलिस ने रात में डेड बॉडी को क्यों अंतिम संस्कार किया, और पुलिस मीडिया को अंदर क्यों नहीं घुसने दिया, जब मीडिया कोई सवाल करती है तो क्यों चुप हो जाते हैं, किसी ने भी एक ढंग का जवाब नहीं दिया। डीएम ने सबसे बड़ी गलती की है, डीएम ऐसी क्या छिपा रहा था? अगर वो लड़की वालों के घर वालों के साथ था, सच दिखाना चाहता था, तो क्यों मीडिया को रोका, क्यों इधर उधर उसने वो किया? अब लड़की वालों को ये कहा जाता है, जो लड़की का जो पीड़ित परिवार है, लड़की ने स्टेटमेंट चेंज किए कि उसकी हड्डी नहीं टूटी, कि ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? डिसाइड करने वाला कोर्ट होता है, न्यायालय करेगा उसको डिसाइड, कोर्ट में होगा ये सारा काम। आपका काम ये था उन आरोपी जो थे उनको पकड़ना, जो उन्होंने किया है उसको सच दिखाना। अगर आप मीडिया को नहीं रोकते तो सच बाहर आता, और रोकते तो भी आता, नहीं रोकते तो भी आता, मतलब आता जरूर। तो आपको सच दिखाना चाहिए था, डीएम पे सबसे बड़ी कार्रवाई इसी बात पे होनी चाहिए, उन्होंने बहुत सी बातों को छिपाया, किसी भी तरह से मैटर दब जाए। अब इस डीएम के साथ कौन कौन है ये तो भगवान ही जाने कौन ऊपर वाले लोग मिले हुए हैं, लेकिन योगी जी से एक निवेदन है, ऐसे लोगों पे जो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं सत्ता में शासन का, ये प्रशासन में जो आ जाते हैं बहुत गलत फायदा उठाते हैं, या आप नहीं जानते कि एक आम आदमी को कितना परेशान करते हैं ये एसडीएम डीएम, इतना परेशान करते हैं, आम आदमी कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब आप जैसे कोई बड़े नेता कुछ होते हैं तो ये भीगी बल्ली बन जाते हैं, क्यों, इतनी ताकत कहाँ से आती है इन्हें? आम आदमी के लिए बैठे हैं, पब्लिक सर्वेंट के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक सर्वेंट है तो क्यों नहीं करते हैं पब्लिक की सेवा? सर जी कुछ सोचिए, पब्लिक और पुलिस की जो दूरी है एक मित्र वाली बनाएं, और दूरी कम हो, एक मित्र वाला जो है एक संबंध बने, ठीक है,
लगे कि हाँ पुलिस हमारे लिए है, ये लगे, हमें लगता है नहीं पुलिस हमारे लिए है, रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है पुलिस, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जो पुलिस की तारीफ करते हैं, ऐसी छवि बना रखी है पुलिस ने, ये खुद के हाथ में होता है। कानून व्यवस्था कैसी बनाई जा रही है, आप इतना परेशान ना करें आम आदमी को, पुलिस को इतनी मनमानी ना दें, पुलिस को इतनी मनमानी ना दें, ना दें, ना दें। जो भी हुआ हाथ में बहुत गलत हुआ है, इस पर सख्त से सख्त जो भी जिन लोगों ने गलतियां की उन पर कार्रवाई हो और इसकी जांच हो निष्पक्ष, इसमें किसी तरह का कोई वो दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के पक्ष में ना किया जाए, निष्पक्ष किया जाए, ठीक है। जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। बस मुझे ये कहना है, जो भी मैंने क्लिपें दिखाई हैं आप लोगों को, ये एक मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कुछ पुलिस वालों कारण, ऐसे पुलिस वालों के कारण पूरी पुलिस बिरादरी बदनाम होती है। मैं पुलिस वालों को गलत नहीं कह रहा हूँ, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, और मैं आपको एक अब मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा वो अच्छे वाले का बनाऊंगा, आप वो देखेंगे, जिसपे सीना चौड़ा हो जाएगा, आपका गर्व करेंगे कि हाँ ये हमारी पुलिस है। लेकिन जिस तरह के जब वीडियो आते हैं ना सामने कि यार एक लाचार हो जाता है आदमी, और पुलिस उस पुलिस ही एक जब लाचार हो जाता है कोई किसी समस्या में होता है, तो पुलिस ही एक सहारा होती है जिसको हम कॉल करते हैं, उससे अपनी मदद मांगते हैं किसी भी तरह की परेशानी होती है। लेकिन यही पुलिस वाले अगर आपके साथ गलत करेंगे तो कहां जाएं? तो इसीलिए विनम्र निवेदन है पुलिस वालों से, जो भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं ऐसा ना करें, अपनी जो छवि है बनाए रखें, छवि खराब ना होने दें, फिर यही लोग जनता आप ही लोग को सपोर्ट नहीं करेगी कल को अगर आपके साथ कुछ हुआ तो। ऐसी अपनी जो है बना के रखें। जब 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे तो बहुत दुख हुआ था इस बारे में, जो भी था इंसान थे शहीद हुए थे, मुठभेड़ करने गए थे, मुजरिम को पकड़ने गए थे, और वो जो मुजरिम था उसको एनकाउंटर करके मारा, बहुत अच्छा किया, इस बात में सबने साथ दिया, इस बात पे तो किसी ने विरोध नहीं किया, ना आक्रोश था, ना किसी ने कोई आंदोलन किया। लेकिन हाँ, जो गलत है वो गलत है, आप सही चीज़ का जो है साथ दें, और बस यही है मेरा, और मेरा वीडियो अंतिम है। बाकी मैंने एक उदाहरण जो देना था समाज के लिए कि कुछ पुलिस वाले खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो वो मैंने चीज़ बताई है। अब मैं एक वीडियो आपके लिए वो लेके आऊँगा जो अच्छे होते हैं, तो वो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। बताइए, सोशल मीडिया पे वैसे सब लोग एक्टिव ही रहते हैं, लोग देख भी लेते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी दिखा दूंगा आपके लिए अगले टॉपिक में, मैं आपका ऐसा वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, सामने बेल आइकन का दिया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसा करने पर आपको मेरी कोई वीडियो होगी ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। मेरी वीडियो में जो भी आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ जाने की, नमस्कार।